समाज के द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई है। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है, कितनी ऊंची जेल। समाज के प्रतिनिधि डॉक्टर INP वर्मा ने सरकार का ध्यान पूर्व विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव पे कराया है, जिसमें सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय लिया गया था, किंतु इसे केंद्र शासन तक अब तक नहीं पहुंचाया गया। वर्मा जी, आज आप यहां पर आए, किस संबंध में आए और क्या उद्देश्य था आपका आने का और क्या किस रूप में आपने विज्ञापन सौंपा हुआ किसके? 23 मार्च 2007 मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सर्वसम्मत से संकल्प पारित किया था कि सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। लगभग 11 साल बीत गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू नहीं किया। सेन समाज ने बार बार उनका ध्यान आकर्षित किया, कई बार ज्ञापन दिए, मंच पर बुलाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपका संकल्प लागू होगा, पर जब ये लागू नहीं हुआ तो हम लोगों ने तय किया कि अनुने बिने से काम नहीं बन पा रहा है, इसलिए हर जिले से हम धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन भेज रहे हैं कि इसको लागू कर दें, नहीं तो 17 फरवरी 2018 को पूरे प्रदेश का लाखों की संख्या में सेन समाज इकट्ठा होगा और वहां पर हम संकल्प लेंगे कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लागू नहीं कर रहे हैं तो आने वाले 2018 के चुनाव में हम श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी को निष्ठाबूत करेंगे, हराएंगे और सरकार से बाहर करेंगे। आपकी और किन मांगों को लेकर आपने ध्यान था? मांग तो वही है कि 23 मार्च 2007 के जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में संकल्प पारित हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 फरवरी 2018 के पहले से लागू करें। इसके लिए हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में कम से सभाएं लेकर के और धरना देकर के ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री सिता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जानेंगे 17 तारीख को अगर नहीं सुनवाई होती तो क्या करेंगे आप? 17 तारीख को अगर नहीं सुनवाई हुई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये वादा। समाज के प्रतिनिधियों ने शीघ्र मुख्यमंत्री